छह छह डिसऑर्डर्स पढ़ा रहा हूँ, छह क्लास लेवल ज्यादा कुछ। इनमें से छह डिसऑर्डर्स पढ़ा रखे हैं आपको क्लास 11th में, किसी को याद है? याद है आप लोगों को किसी को? ये सब भूल रखे हैं आप लोग? सबकी आवाज ब्रेक हो रही है क्या? जिसकी आवाज ब्रेक हो रही है उसका नेट का कनेक्शन वो चेक करें। मेरी तरफ से एकदम क्लियर आ रही है मुझे। हाँ जी, राज जोशी जी, यस सर। इनमें से कितने डिसऑर्डर्स के नाम जानते हो तुम? इनमें से कितने डिसऑर्डर्स के नाम जानते हैं आप? बता दो। एक भी नहीं जानते? एक जानते हो, दो जानते हो, चार जानते हो, चिंता मत करो। तुम्हारे क्लासमेट जैसे भी जो कोई भी नहीं जानता, तो तुम भी उनमें से हो सकते हो, बड़ी बात नहीं है इसमें। सर याद नहीं सर। इतना टाइम क्यों लगा? बता दो। नहीं, तो बात नहीं। हाँ, कितने लोग हैं ऐसे जो इनमें से दो तीन चार कुछ डिसऑर्डर्स जानते हो? इसका कुछ भी लेना देना नहीं आज की क्लास से, ठीक है? ये तो बस बाय चांस ड्रॉपर बैच की, ड्रॉपर कह रहा हूँ, क्रैश कोर्स की क्लास चल रही थी, तो वहां पे ऑटोइम्यूनिटी का टॉपिक आ रहा था ह्यूमन हेल्थ में, तो ये आ गए। अब आपका भी ह्यूमन हेल्थ का टॉपिक आएगा एवोल्यूशन के बाद, फिर साथ में भी आएंगे। तो मैं बस ये पूछ जानना चाह रहा हूँ, कितने लोग 11th भूल गए हैं, कितनों को याद है? कोई है कि नहीं, इतना बता दो बस। एनीबॉडी? सर तीसरा वाला डायबिटीज है ना, डायबिटीज मिलाइटस टाइप 1, हाँ, टाइप 1। हाँ, तुमको वो उसमें बता डायबिटीज दीजिए। मेलिटस पता है? यस सर। बस, और बाकी सर सर ग्रेव मायसिन का डिजीज पढ़ा था सुना आपने? है? हाँ, कोई कुछ कह रहा था पीछे जब हाँ सर, सर अमन कह रहा मायसिन ग्राफ पढ़ा था आपने? मास्टर ने ग्रेव्स पढ़ा था मैंने बेटा यस सर। पढ़ाया तो मैंने छे थे, मैंने ग्रेव्स भी पढ़ाया, हाशिमोटो भी पढ़ाया, डायबिटीज मेलिटस टाइप 1 भी पढ़ाया, एडिसन्स भी पढ़ाया है, यस और सर, उनका मायस्टर ने डायरेक्टली ग्रेव्स पढ़ा है भी आर्थराइटिस भी पढ़ाया है, सर, मैंने तो टोटल ग्रेव छे डिजीज पढ़ाए हैं। सुना है? सर याद नहीं आ रहा लेकिन। हाँ तो याद नहीं आ रहा, वही बात है, ये हम बोलो कि आपने पढ़ा है, मैंने तो 8 में तो 6 पढ़ाए हैं, ठीक है ना, लेकिन तुमको नहीं याद आ रहे, दैट्स अ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। संजोत यस सर। कितने आते तुमको इसमें से? तीन पता है। तीन पता है? मधु मैडम तो बोल रही थी मेरे यस को टॉपर है। टॉपर को तो चार पांच पता होने चाहिए ना। सर वो सब बात की बातें बात की पुरानी बातें हैं। तो क्या हो गया, पढ़ाई बताइए। लिखाई छोड़ दी क्या? पढ़ाई लिखाई से संन्यास ले लिया? कौन से तीन पता है या पता थे? सर एक माय सीनियर ड्राइवर्स अच्छा, क्या होता है और मार्केटिंग डायबिटीज, ग्रामर्स? सर वो जो नर्व्स और मसल्स में ब्रेक डाउन हो जाता है, तो सर जो दो पता है, दो। और बाकी दो कौन से हैं? मार्केटिंग ग्रामर्स नहीं पता, और दो कौन से बताएं? सर एक डायबिटीज मेलाइटस क्या होगा डायबिटीज मेलिटस में? जो ADH की वजह से होता है, अगर बॉडी में कम हो जाए। एडीएच की वजह से डायबिटीज मेलिटस होगा या डायबिटीज इंसिपिडस होगा? संजोत,
इंसिपिडस होता है, ये एडीएच इंसुलिन। की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज मेलाइटस होता है या इंसिपिडस होता है, ये पूछ रहा हूँ मैं। इंसिपिडस होता है सर। एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से, राइट? तो मेलाइटस किससे होगा फिर? सर वो इंसुलिन जो बॉडी में कम हो जाता है, ग्लूकोज टाइप वन या टाइप का टू? कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। टाइप वन या टाइप टू? सर ये ध्यान नहीं। कोई एनीबॉडी एल्स जैसे कोई याद है तो बताओ, फिर आगे बात करेंगे एवोल्यूशन के बारे में। किसको सर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बारे में याद है याद है? सर? मैं एहसन। एहसन। हाँ एहसन, बताओ बताओ सर तो उसमें बताओ। साइन सर उसमें जो बॉडी होती है वो साइनोवियम को अटैक करने लगती है जॉइंट्स के बीच में। बॉडी में क्या अटैक करने लगता है? सर व्हाइट ब्लड सेल, याद नहीं मुझे इतना। एंटीबॉडीज। यस सर। आपकी बॉडी की एंटीबॉडीज अटैक करने लगती है तो उसको बोलते हैं। चलिए आपको कुछ कुछ पता तो मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि आपको एटलीस्ट कुछ कुछ तो पता है। ठीक है ओके, तो चलिए जितनी बातें हमने कर ली थी वो इतनी बातें हमने कर ली। आपको कुछ कुछ आइडिया है ये सब, ये बातें, इन बातों का आपको पता है, इस बात की मुझे बेहद खुशी है। ठीक है, और आगे बात करते हैं, आज एवोल्यूशन की बात कंटिन्यू करते हैं। ठीक है ना, एक मिनट में इसको जरा कैमरा को एडजस्ट कर दूं। तो आगे ओके तो आगे बात कर रहे हैं, एवोल्यूशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, मेरी बात ध्यान दीजिए सब लोग। ठीक है, तो एवोल्यूशन में जो पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, जो एक्चुअली पिछली बार के टॉपिक है वही कंटिन्यू करने जा रहे हैं। बताया था कि देर वॉज अ बिग बैंग, यही बात होती है बिग बैंग की। बिग बैंग हुआ था 20 मिलियन ईयर्स, सॉरी 20 बिलियन ईयर्स। ठीक है, बिग बैंग के बाद करीब करीब जैसे मैंने बोला फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स, उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, ठीक है, और अमंग द गैलेक्सीज करीब करीब 4.5 बिलियन ईयर्स। 4.5 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, मतलब जो अर्थ है वो 4.5 बिलियन ईयर्स क्या है, पुरानी है। ठीक है ना, बिलियन मतलब 10 की पावर 9। और उसके बाद फाइनली 4 बिलियन ईयर्स अप्रोक्सीमेटली लाइफ आई है 4 बिलियन ईयर्स। तो ये ऑर्डर रहा है एवोल्यूशन का कि हाँ पहले एक बड़ा बिग बैंग हुआ है, अन एक्सप्लेन्ड, या बहुत ही ज्यादा बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ है। उस एक्सप्लोजन की वजह से यूनिवर्स एक्सपैंड करी है, यूनिवर्स के एक्सपेंशन की वजह से स्लोली ग्रेजुअली डिफरेंट गैलेक्सीज बनी है, उसमें मिल्की वे गैलेक्सी भी बनी है जिसको हम आकाश गंगा भी बोलते हैं। उस आकाश गंगा में अर्थ बनी है अराउंड 4 बिलियन ईयर्स अगो, सॉरी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, और उस अर्थ में 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले लाइफ आई। दैट इज व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ ऑरिजिन ऑफ अर्थ की अगर हम बात करें, ऑरिजिन ऑफ यूनिवर्स की अगर हम बात करें। नाउ
ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात करेंगे, ध्यान से समझेगा इस बात को, हटा देते हैं, नो टेंशन। ऑरिजिन ऑफ लाइफ की बात करें तो लाइफ आती है तो वाटर, नहीं मतलब वाटर होता है तो ही लाइफ आती है, लाइफ हमेशा वाटर में इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, ऐसा हम मानते हैं। प्रिमिटिव अर्थ में और मॉडर्न अर्थ में डिफरेंस है, अगर हम प्रिमिटिव अर्थ की बात करें, ये बात इम्पोर्टेंट है। प्रिमिटिव अर्थ में क्या था, दिस इज कॉन्सेप्ट, प्रिमिटिव अर्थ में क्या था कि अर्थ का टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा हॉट था। हॉट क्यों था, बहुत सिंपल सा रीजन है, मान लेते हैं सन है, दिस इज सन, सन की रेज डायरेक्ट आ रही है, बिकॉज कोई भी यूवी नाम की चीज नहीं है, देयर इज नो यूवी, सॉरी नो ओजोन, ओजोन के नाम की चीज नहीं थी, तो सन की रेज डायरेक्ट आ रही थी, सन की रेज डायरेक्ट आ रही थी, ठीक है, आ रही बात समझ। तो टेम्परेचर अर्थ का बहुत ही ज्यादा हॉट था, ठीक है, और एटमॉस्फेयर में गैसेस भी थी, जैसे कि हाइड्रोजन था, हीलियम था, सॉरी हाइड्रोजन था, मीथेन था, अमोनियम था, CO2 था, ये सब गैसेस एटमॉस्फेयर में क्या थी, प्रेजेंट थी, ठीक है, ये प्रिमिटिव अर्थ। और क्या था, और बहुत सारे वोल्केनोस इरप्ट कर रहे थे, क्या कर रहे थे, बहुत सारे वोल्केनोस इरप्ट कर रहे थे, उसकी गैसेस निकल रही थी, और ये सारी गैसेस वोल्केनो के इरप्शन की थी, अमोनिया, मीथेन, CH4+, CH4, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब वोल्केनो इरप्शन की गैसेस। देखिए इसमें आप देखेंगे, अच्छा इसमें एक और चीज थी, वो था वाटर वेपर, वाटर था लेकिन वेपर की फॉर्म में, वेपर की फॉर्म में वाटर था, और टेम्परेचर हॉट था, सनरेज डायरेक्ट आ रही थी, ये है प्रिमिटिव अर्थ। और आप देख सकते हैं कि एनवायरनमेंट में बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं है, तो एनवायरनमेंट कैसा है, एकदम रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, एनवायरमेंट कैसा था, एकदम रिड्यूस्ड, सो दैट वाज द प्रिमिटिव वर्ल्ड, ठीक है। अब स्लोली ग्रेजुअली क्या हुआ, ये बात आप जानते हो, समझिएगा जरा, कि यूवी की प्रेजेंस में जो वाटर मॉलिक्यूल है वो ब्रेक कर जाता है, H2O स्प्लिट हो गया, यूवी की प्रेजेंस में एंड ब्रोक डाउन इनटू हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, यूवी की प्रेजेंस में, क्लियर, आ रही बात समझ। फिर यूवी की प्रेजेंस में आप जानते हैं ओजोन कैन कंबाइन टुगेदर, ठीक है, टू फॉर्म, सॉरी ऑक्सीजन कैन कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ओजोन, O3, O3 क्या है, ओजोन है, O3 ओजोन, इस तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन हुआ, क्लियर है पॉइंट, आ रही बात समझ में। और जब ओजोन आ गया, अर्थ के बाहर जब ओजोन लेयर आ गया, तो उससे क्या होगा, अब आप समझ पाएंगे कि सन की रेज डायरेक्ट नहीं आ रही, अब कुछ तो आप आ रही थी और कुछ वापस रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी, तो टेम्परेचर हॉट से धीरे धीरे क्या होने लगा, कूल होने लगा, जैसे जैसे अर्थ कूल होने लगी, ठीक है, वैसे वैसे जो वाटर वेपर है, जो वेपर था पानी एनवायरमेंट में, वो पानी कंडेंस होके बारिश बन के, बारिश बन के कुछ टाइम ऐसा पानी होगा, और इस बारिश की बौछार से जो डेवलप हुआ वो डेवलप है ओशियंस, ओशियन बन गए, ठीक है, और जब ये ओशियन बन गए तो ये ओशियन कैसे बने, एकदम गर्म गर्म बने, क्यों, पानी गर्म था भाई, वाटर कंडेंस हुआ है, आया है नीचे, वाटर है लेकिन अभी भी वो गर्म है क्योंकि तो एनवायरमेंट बहुत ही हॉट, और फिर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज केमिकल्स एंड अदर थिंग्स स्लोली ग्रेजुअली क्या हुआ, इस ओशन में जिसको हार्डेन, जिसको एक साइंटिस्ट है हार्डेन, जिसको हार्डेन ने हॉट वैल्यू सूप बुलाया, इसके अंदर केमिकल्स इवॉल्व हुए, और इस केमिकल्स के थ्रू फाइनली
लाइफ आई है, तो लाइफ कहाँ पर आई है? लाइफ आई है ओशंस में आई है, पानी के अंदर आई है, कब? अर्थ को कूल हो जाने के बाद। अब जो लाइफ आई, अभी बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो लाइफ आई वो आई स्लोली ग्रेजुअली बैक्टीरिया के फॉर्म में। अब बैक्टीरिया स्लोली ग्रेजुअली धीरे धीरे इवॉल्व हो गया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। जैसे ही फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इवॉल्व हुआ, ठीक है ना, वैसे ही लिबरेट हुई बहुत सारी ऑक्सीजन, लिबरेट हुई बहुत सारी क्या, ऑक्सीजन, बहुत सारी ऑक्सीजन आने लगी एटमोसफेयर, और एटमोसफेयर में ऑक्सीजन फैल गई, और फिर जितने ऑर्गेनिज्म आए वो सभी इसी ऑक्सीजन पर डिपेंडेंट होने लग गए। हालांकि कुछ साइंटिस्ट का या कुछ लोगों का मानना है, और मैं भी इस बात में कहीं ना कहीं बिलीव करता हूँ, कि ऑक्सीजन इज अ स्लो पॉइजन विच इज किलिंग यू वेरी स्लोली, ऐसा है। तो ऑक्सीजन आने लगी, और इस ऑक्सीजन की वजह से एनवायरनमेंट कैसा हो गया, ऑक्सीडाइजिंग, और आज भी हमारे पास यही एनवायरनमेंट है, ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट। तो पहले ऑक्सीजन वाली बात समझ नहीं आई। एक मिनट रुको, पहले अर्थ रिड्यूसिंग थी, अब अर्थ ऑक्सीडाइजिंग है। पहले ओजोन नहीं थी, ओजोन की वजह से सारा कूलिंग हुआ है, ठीक है, आपको पता है कि ओजोन ब्रेक करेगा तो फिर से हॉट हो जाएगी अर्थ, ठीक है, और ओशन में लाइफ क्या हुई है, इवॉल्व हुई है, और ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट बिकॉज ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हुआ। ये जो बातें सारी मैंने आपको बताई हैं, ये बातें फोकस करने वाली हैं, इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान देने वाली। अब आपका वो सवाल है तो आप, हाँ कौन सा था, सर ऑक्सीजन स्लो पॉइजनिंग करती है वो समझ नहीं आया पॉइंट। नहीं वो नहीं समझना, वो तो एक वैसे ही एक फिलोसफिकल सी बात है कि है ना, कि थ्योरी है, और कि ऑक्सीजन आप लेते हो, आपके सेल्स मेटाबॉलिज्म करते हैं, जितना ज्यादा वो मेटाबॉलिज्म करेंगे उतना धीरे धीरे वो मरेंगे, ठीक है ना, डाई होंगे, है ना। तो ऑक्सीजन एक्चुअल में लोग कहते हैं कि एक्चुअली ऑक्सीजन होगी तो मेटाबॉलिज्म होगा, मेटाबॉलिज्म होगा तो सेल धीरे धीरे मर रहा है, तो मतलब बोलते हैं कि ऑक्सीजन एक्चुअली एक स्लो पॉइजन है जो धीरे 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 पर्सन को किल कर सकता है। कुछ साइंटिस्ट का, कुछ लोगों का भी बोलना है, कुछ फिलोसफर्स का बोलना है, ठीक ही लगता है कभी कभी, वैसे बोल रहा हूँ, वो सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है। सॉरी, सब्जेक्ट से रिलेटेड है, आपके सिलेबस से रिलेटेड, कोई और ऑर्डर मुझे बताओ। किसी को कोई डाउट, यस और नो? सर ये हॉट डाइल्यूट अरे क्यों ओशन किसी को को, क्या समझ में नहीं आया। ओशन को बोला, ओशन को लेकिन ओशियन तो कूल होता है सर। अरे बबुआ, ओशन क्लियर कूल होता है, लेकिन ओशन कूल कब होता है भाई? ओशन कूल होता है जब हवा भी ठंडी हो, एटमॉस्फेयर भी ठंडा हो। ये गरम गरम पानी नीचे आया है, एटमॉस्फेयर ठंडा तो हुआ है लेकिन उतना ठंडा नहीं हुआ है, अभी भी अर्थ का एटमॉस्फेयर ओवरऑल थोड़ा हॉट ही था, तो ओशन जो बना है वो गरम गरम ही बना है। ये पानी जो एटमॉस्फेयर में हॉट वेपर था, ये बरस के आया है, लेकिन ओशन का पानी उस वक्त सतह एकदम गर्म थी। अगले टाइम की बात है, जो लाइफ फॉर्म हुई है उस टाइम पे ओशन गर्म था, आज ओशन कूल होता है ना। और तुमको किसने बोला कि ओशन कूल होता है? पानी ठंडा होता है सर। अरे तुमको किसने बोला कि ओशन कूल होता है? ओशन क्योंकि छोड़ो, पानी पानी की ठंडा होता है। तुमने थर्मल वेंट नाम की चीज नहीं सुनी है? और ओशन में भी बहुत सारे लेयर्स होती हैं, पता है, आगे पढ़ोगे कई लेयर्स बहुत गर्म भी होती हैं। तो ओशन में स्ट्रेटिफिकेशन है, ओशन का पानी सारे एक जैसा नहीं है, समझे? केमिस्ट्री तो जानते हो, नहीं जानते हो भाई, 100 डिग्री सेल्सियस में भी पानी गर्म होता है, सौ सर अभी डिग्री अभी सेल्सियस आपने क्या बोला था मेरे को फिर से में बता होता दो। है। अभी अभी मैंने लाइक क्या बोला? सर मैं अभी अभी मैंने ये बोला कि पानी गर्म होता है।
सर वो लाइट चली गई, वाईफाई बंद हो गया था, तो एक बार आप फिर से बता दो। अरे क्या बता दूं, वो तो बता दो सर जय आप माली बोल रहे की। थे ना ऑक्सीजन इज स्लो पॉइजन, उसके बाद बता दो। उसके बाद मैंने बहुत कुछ बोला है, और देखो ऑक्सीजन स्लो पॉइजन मैंने बोला, और उसको सीरियसली मतलब कि उस तरीके से मतलब, वो तो मैं आपको आपके दिमाग में बस एक दो चीजें डाल देता हूँ ताकि आपके दिमाग में सब्जेक्ट का फितूर रहे, आप सोचो सब्जेक्ट के बारे में, और कल को अगर आप साइंटिस्ट वाइंटिस्ट बनते हो तो ये सब चीजें आपके माइंड में रहे, आप इंटरेस्टिंग साइंटिस्ट और अलग आउट ऑफ द बॉक्स भी सोच सको, तो उसका सब्जेक्ट से कुछ लेना, सॉरी टॉपिक से कुछ लेना नहीं। ठीक है, तो ऑक्सीजन स्लो पॉइजन इज जस्ट, और उसको छोड़ दो अभी, उसके परेशान सर अभी जैसे कि नहीं। बैक्टीरिया ने ऑक्सीजन बनाई तो वो ऑक्सीडाइजिंग एनवायरनमेंट हो गया सर, H2O के ब्रेकडाउन से भी तो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुई। अरे भाई वो इतनी ऑक्सीजन नहीं थी ना, जो H2O कौन था, सारा का सारा ब्रेक हो गया था, अगर H2O सारा ब्रेक हो गया होता तो ये पानी 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 नहीं होता ना, वो तो लिमिटेड जो H2O है वो ब्रेक हुआ, मोर ओवर उसमें से काफी सारा ऑक्सीजन तो मिल गया ना ओजोन बनाने बनाने के लिए, समझे। और भी है किसको डाउट? चलिए किसी को डाउट नहीं है तो एक दो बातें और करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। थ्योरीज मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, मैं नाम लिख रहा हूँ, मतलब एक्सप्लेन मतलब एक्सप्लेन कर रहा हूँ, मैं डिटेल्स लिखवा नहीं रहा, कोई लिखवाने वाली कोई चीज नहीं है इसमें, खुद से नोट करना, मैं बस नाम लिख रहा हूँ थ्योरीज के। तो ये पांच थ्योरीज हैं और इनमें से एक भी थ्योरी में हम नहीं मानते, जिसमें मानते हैं वो छठी थ्योरी है, उसकी बात में इन पांच के बाद बताऊं, अब सुनते जाओ। पहली है द थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन इज अबाउट गॉड, भगवान है ना, गॉड। अब गॉड की बात करें तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन एक्चुअली ग्रीक थिंकर्स की वगैरह की थ्योरी है, तो बाइबल से कोट किया गया, तो बाइबल से क्या कोट किया गया कि गॉड क्रिएटेड द यूनिवर्स एंड यूनिवर्स वाज क्रिएटेड इन 6 days, 6 दिन में यूनिवर्स बनी, और छठे दिन 6th day गॉड क्रिएटेड मैन, और एवोल्यूशन नाम की कोई चीज नहीं हुई है, जो ऑर्गेनिज्म जैसा है वो ऑर्गेनिज्म वैसे ही पैदा हुआ है, मतलब देयर इज नथिंग नोन एज एवोल्यूशन, कोई चिंपांजी से मैन नहीं बना, कोई किसी का एवोल्यूशन नहीं हुआ, ठीक है ना, जो जैसा है वैसा ही गॉड ने बनाया है, और कोई एवोल्यूशन नाम की चीज नहीं है, दैट इज थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। हालांकि इस थ्योरी के बारे में हम कोई भी ज्यादा बात नहीं करते, ठीक है, क्योंकि इट हैज रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ पीपल,
So not just the Bible, some other books as well may believe in the same theory. So not talking about any other religious context, we will move वैसे to भी other. ये सबको वॉइस ब्रेक हो रही है? नो सर, नो क्या नहीं सुना तुमने सर, गोविंद? लेना रही है सर, क्या नहीं सुना तुमने गोविंद? किसको वॉइस ब्रेक हुई थी? गोविंद को ब्रेक हुई थी? अब सही है, ठीक है सर, ठीक है। अरे क्या मिस हो गया वो बताओ ना आपको। ठीक है तो अरे सर, ओनली 2 सेकंड के लिए गई थी। 2 सेकंड के लिए वेट कर लिया करना भाई, 2 सेकंड के बाद आ जाइए सर। ना आवाज गई सर, आवाज गई और इतना आवाज गई। शांति, हैव पेशेंस। इवोल्यूशन इज अ स्लो प्रोसेस, इट गोज स्लोली। ओके तो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन क्या बोलता है कि लाइफ स्लो सॉरी क्विकली इवॉल्व हुई है, 6 ही दिन के अंदर इवॉल्व हुई है और 6ठे दिन जो है सब कुछ बन गया जो भी है। इसके बारे में बात नहीं करेंगे क्योंकि हमको कन्वेंशन के बारे में कोई भी कदाच नहीं करना है, उसके लिए सोशल मीडिया काफी है, उसके लिए हम क्लास में नहीं आएंगे। नाउ थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म, थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म भी थोड़ा सा रिलीजियस है। ये भी कुछ ऐसा बोलता है कि लाइफ आती है जाती है, लाइफ आती है जाती है। जैसे कि अगर हम हिंदू माइथोलॉजी को कोट करें तो जैसे बहुत सारे युग होते हैं कि भाई सत्ययुग आया, फिर वो डिग्रेड हो गया, लाइफ डिग्रेड हो गई, फिर से दोबारा लाइफ शुरू हुई। तो कहते हैं द्वापर युग आया, ठीक है ना, सॉरी त्रेता युग आया, फिर त्रेता युग डिग्रेड हो गया, तो फिर उसके द्वापर युग आया, द्वापर युग डिग्रेड हुआ तो कलयुग आया, अगले दिन कलयुग भी डिग्रेड हो जाएगा, फिर नया युग आएगा। तो लाइफ जाती है आती है, ले जाती आती है। दैट इज थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रोफिज्म। कहीं ना कहीं पे डिस्ट्रक्शन लाइफ, डिस्ट्रक्शन लाइफ। इस थ्योरी को हम छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट तीसरी थ्योरी पे आएंगे, अब इस पे इसके बारे में बात करेंगे। थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया। पैनस्पर्मिया वर्ड आ रहा है पैनस्पर्म से। पैनस्पर्म आर द स्पोर्स। कैसे स्पोर्स? जैसे मेट्रोइड्स होते हैं, एस्ट्रॉइड्स होते हैं, जैसे मेट्रोइड आके टकरा जाते हैं, ठीक है ना, एस्ट्रॉइड आके टकरा जाते हैं, ठीक है, वैसे ही एस्ट्रॉइड, ठीक है ना, जो है। अब ये थ्योरी क्या कहती है कि जैसे कि ना कि अर्थ पे जो लाइफ है वो बाहर देश से आई है, ठीक है ना, बाहर देश से मतलब दूर दुनिया से आई है, किसी दूसरे प्लैनेट से आई है, तो स्पोर्स की फॉर्म में है। जैसे एस्ट्रॉइड आ जाते हैं टकरा जाते हैं अर्थ से और लाइफ आ जाती है, सॉरी एस्ट्रॉइड आते हैं टकराते हैं अर्थ से, तो ऐसे ही लाइफ के स्पोर्स थे, एस्ट्रॉइड के फॉर्म में टकराए और वहीं से लाइफ जो है आ गई, ठीक है ना, इस अर्थ पे आ गई। तो ये है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, यानी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑरिजिन ऑफ लाइफ। अगेन इसको भी क्वेश्चन मार्क डाल लीजिए, आपको बताऊंगा ये भी इम्पोर्टेंट है। आज हम थोड़ा थोड़ा इसमें मानते हैं, क्यों मानते हैं उसकी वजह बताऊंगा मैं आपको, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आगे बढ़ते हैं, अगला है थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस। हाँ सर, डाउट दूसरे इज प्लेन पर कैसा ही लाइफ तो फिर स्पोर्ट्स के फॉर्म में? सर बहुत ही बढ़िया सवाल किया तुमने गोविंद, लेकिन इस सवाल का जवाब तुमको मैं दूंगा थोड़ी देर बाद। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। तो ए बायोजेनेसिस की बात करते हैं। तो ए बायोजेनेसिस, अब ए बायोजेनेसिस क्या होता है? अरे गोविंद ये बायोटेक क्या होता है? व्हाट इज बायोटेक? ये वाट वो बायो मतलब बायोलॉजी से रिलेटेड। बायोलॉजी में क्या पढ़ता तू? सर बायोस्फीयर से वर्ड आया ही है ना, बायोटिक। अरे बायोस्फीयर को बायोस्फीयर क्यों बोलते हैं? सर जिसमें बायोलॉजी हाँ मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए हम उसे बायोस्फीयर कहते हैं। हाँ बायो का मतलब लाइफ होता है, बायो मतलब लाइफ, समझे, इसलिए बायोलॉजी मतलब लाइफ की स्टडी। कितनी बार बोल दिया, पहली क्लास में पढ़ाया था ये, जब मैं आया था तुम्हारी क्लास में, सब भूल जाते हो। मेडिकल के स्टूडेंट बायो नहीं पता क्या होती है, ध्यान सुनो। तो ए बायोजेनेसिस क्या हुआ? अपोजिट ऑफ बायो, नॉन लिविंग। तो नॉन लिविंग स्ट्रक्चर से लाइफ आई है, ये बोलता है ए बायोजेनेसिस, ठीक है। ये क्या नाम है इस लड़की का, भूल जाता हूँ मैं, आयुषी है क्या क्लास में? A01। तो यस सर, आज तुम वेजिटेरियन हो नॉन वेजिटेरियन हो? नॉन वेजिटेरियन। ठीक है चलो, खैर तो क्लास में वेजिटेरियन पे तो नॉन वेजिटेरियन के सवाल नहीं करते हम, नॉर्मल सवाल करते हैं। तुमसे एक जनरल सवाल पूछ रहा हूँ, कभी ऐसा हुआ तुम्हारे घर में खाना बच गया हो और तुमने उसे बाहर रख दिया और वो सड़ गया हो? हाँ क्या सड़ जाता है खाना? खाना क्यों बैक्टीरिया सड़ जाता है? वगैरह क्या? खाना बैक्टीरिया से सड़ जाता है? खाना
खाना लिविंग है या नॉन लिविंग है? नॉन लिविंग थिंग है. खाना नॉन लिविंग है ना? यस सर. किसी का खाना लिविंग तो नहीं होता. ठीक है, तो खाना नॉन लिविंग है और नॉन लिविंग खाना तुमने रखा बाहर और उस पे क्या आ गया? बैक्टीरिया आ गया. बैक्टीरिया बैक्टीरिया लिविंग है कि नॉन लिविंग है? लिविंग है सर. सर लेकिन खाना भी तो लिविंग थिंग से आया है. प्रेजेंट में तो नॉन लिविंग है. हाँ वेरी गुड अमन. तो खाना नॉन लिविंग है, खाना नॉन लिविंग है लेकिन उसके ऊपर जो बैक्टीरिया है वो क्या है? लिविंग है. तो एक नॉन लिविंग चीज पे लिविंग चीज आ गई ना. खाना नॉन लिविंग था, आपने छोड़ दिया, थोड़े टाइम में क्या हुआ उस पर बैक्टीरिया आ गया, मतलब लाइफ आ गई, मतलब लिविंग थिंग्स आ गई. बस यही बात करी, यही बात ऑब्जर्व करी को साइंटिस्ट ने और उन्होंने बोला कि जैसे सड़ते हुए खाने पे यानी एक पुराने खाने पे यानी नॉन लिविंग चीज पे अचानक से बैक्टीरिया आ जाता है, अचानक से लाइफ आ जाती है, वैसे ही इस दुनिया में भी अचानक से लाइफ आ गई होगी. नॉन लिविंग मटेरियल से अचानक से किसी दिन लाइफ आ गई होगी और उसके बाद लाइफ चलती रही चलती रही चलती रही. दैट इज द थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस. समझ गए क्या थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस? सर बैक्टीरिया तो पहले से होते हैं एटमॉस्फेयर में. अच्छा पक्की बात? तो खाने पे भी पैदा हो गए ना, क्या दिक्कत है? ओके सर. बट सर खोलते ही अर्थ पे क्या खाना होगा? क्या सर? जो अर्थ थी वो तो बहुत ज्यादा उस खाना था तो अचानक से सडनली लाया. एक बार बताओ दोबारा बोलो क्या कहना चाह रहे हो? सर जो भी फूड होता है वो बनता तो लिविंग थिंग से ही है ना, जिसके ऊपर कह रहे थे कि वो बैक्टीरिया अचानक से आ जाते हैं वैसे ही. तो सर उस टाइम पे तो नहीं कह रहा, वो तो हमने नहीं वो तो हमने ऑब्जर्व किया ना कि नॉन लिविंग थिंग पे लाइफ आ रही है. तो ऐसी किसी और चीज नॉन लिविंग चीज पे मिट्टी वगैरह पे किसी और चीज पे अचानक से लाइफ आ गई होगी. जब खाने पे आ सकते हो वहां भी आ सकती होगी. सॉइल में भी तो लाइफ आ जाती है अचानक से. कोई भी चीज डिग्रेड हो रही हो धीरे धीरे लाइफ आ ही जाती है. फंगस लग जाती है उसको या है ना, फंगस लग जाती है या कुछ और हो जाता है, लाइफ आ ही जाती है. नहीं आती? एक्सक्यूज मी सर. हाँ जी सर. सर मेरे दो क्वेश्चन है. पहला पूछो. पहला कि सर आपको डू यू थिंक दैट होमो सेपियंस आर द पीक ऑफ द एवोल्यूशन? कौन पूछ रहा है सवाल? सर राघव. अच्छा वेरी गुड. तो थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस इज अबाउट होमो सेपियंस. सर इज थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस अबाउट होमो सेपियंस राघव? नो सर. नो सर. So we will talk it about something sometime and we will talk about human evolution. Next question. Sir, वो भी फिर abiogenesis से related नहीं है. जो है कोई बात नहीं, याद रखूंगा ना मैं. सर मेरा क्वेश्चन था कि एक थ्योरी है कि वो कहती है कि जो बैक्टीरिया बने फिर लिजर्ड्स बने उससे डायनासोर बन गए. अच्छा सर जैसे आपने कहा कि पैनस्पर्मिया जो थ्योरी थी. तो सर ऐसे किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि हम ना जो एप्स वगैरह हैं वो बाहर से आए हैं. अच्छा और उसके जो डिस्ट्रक्शन और वो जो सर मैं बोलता रहूं, बोलने तो दो सर एक मिनट. एप्स तो बाहर से आए हैं, बाकी जो एनिमल्स हैं वो तो यहीं पर इवॉल्व हुए हैं. अच्छा वो यहीं इवॉल्व हुए हैं, एप्स सिर्फ एप्स बाहर से आए हैं. अच्छा हां कि एप्स बाहर से हैं और जो डायनासोर जो मरने का जिस मरने का रीजन था वो एप्स के उसके वजह से था. किसके वजह से? उसके आने के चक्कर में, मतलब एप्स बाहर से आ गए और उन्होंने डायनासोर को मार दिया. अरे तो मूवी बना दी इस पर सर, प्लेनेट ऑफ एप्स. चार पार्ट भी है उसके मूवी के. अच्छा प्लेनेट ऑफ एप्स भी इसी बारे में? मैंने देखी प्लेनेट ऑफ एप्स कभी? सर मैंने भी नहीं देखी. चलो कोई बात नहीं, तुम भी देखना मैं भी देखूंगा उसके बाद हम बात करेंगे. लेकिन जो तुम्हारी बात है उस पर भी वापस आएंगे, लेकिन ये सब बातों पे आएंगे बाद में. ठीक है ना? अभी जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन डिस्कस करेंगे ना तब एप्स की भी बात करेंगे. ठीक है ना? तुम एप्स बोल रहे हो या एप्स बोल रहे हो?
बंदर या बर्ड्स? बंदर बंदर ठीक है ओके। तो क्या है अभी तुम सबको छोड़ देते हैं, अभी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस के बारे में बात करते हैं। तो देखो उस टाइम पे ना हमारे पास अमन पॉल की तरह जो है बहुत ज्यादा स्मार्ट लोग नहीं थे, ठीक है ना, जिन्होंने एबायोजेनेसिस की थ्योरी दे दी। तो जैसे अमन ने बात करी बहुत ही समझदारी और बहुत ही इंटेलिजेंस की बात करी कि बैक्टीरिया तो पहले से, ठीक है, तो ऐसे ही कुछ अमन पॉल जैसे ही इंटेलिजेंट साइंटिस्ट ने बोला कि जो बैक्टीरिया है वो तो पहले से एटमोसफेयर में, वो तो बस अपने खाने की जगह बदल रहा है, मतलब पहले वो एटमोसफेयर में था और फिर वो खाने के ऊपर आ गया, वो खाने पे आया नहीं है, ओरिजिनेट नहीं हुआ है, उसने तो बस अपनी जगह बदली है। तो फिर उन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया कि अगर हम खाने को डब्बे के अंदर पैक कर दें, एक टपर वेयर का डब्बा ले आए, ठीक है ना, एयर टाइट डब्बा ले आए, खाने को टपर वेयर का डब्बे के अंदर बंद कर, मतलब सैनिटाइज करके क्योंकि उसमें लाइफ नहीं है, और फिर डब्बे बंद कर दिया, तो फिर वो नहीं सड़ेगा, वो नहीं खराब होगा, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएंगे, या फ्रिज में रख दें तो वो खराब नहीं होता है, ये भी हमने ऑब्जर्व किया। अच्छा इस चीज को प्रूव करने के लिए एक साइंटिस्ट हुआ करते थे, ठीक है, उनका नाम था पास्टर, लुईस पास्टर, अगर आप नाम सुना हो नहीं होगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, लुईस पास्टर सुनना जरूरी है, ठीक है ना। पास्टर साइंटिस्ट, उन्होंने एक बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट किया, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। स्वान, स्वान तो आप जानते हो ना, जिसकी बड़ी सी गर्दन होती है, बर्ड है ना, स्वान नेक फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अब स्वान नेक फ्लास्क एक्चुअली एक फ्लास्क को बोलते हैं, ठीक है ना, वो फ्लास्क क्या है सुनिएगा ध्यान से, उस फ्लास्क की जो गर्दन होती है वो लंबी सी ऐसी स्वान जैसी होती है, ठीक है ना। अब इस गर्दन की खास बात क्या है, अब इस गर्दन की खास बात यह है कि माइक्रो, कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो यहां तक आके यहीं तक रह जाएगा, वो आगे तक आ नहीं पाता है, मतलब इतनी गोल सी फ्रस्ट्रेट होती है कि एटमॉस्फेयर से इसका कॉन्टैक्ट क्या रहता है, जीरो हो जाता है। तो एक फ्लास्क ए लिया जिसके साथ एटमॉस्फेयर का कॉन्टैक्ट जीरो था, और एक फ्लास्क बी लिया, उसकी गर्दन तोड़ दी, उसकी गर्दन क्या करी, तोड़ दी, मतलब उसका एटमॉस्फेयर के साथ कनेक्शन है। तो एक का एटमॉस्फेयर से कनेक्शन नहीं है, दूसरे का एटमॉस्फेयर से कनेक्शन है, जिसका है उसको हमने बी बोल दिया। अब क्या हुआ, दोनों में ही इन्होंने ईस्ट ले लिया, कैसा ईस्ट, ईस्ट आंदोलन, एस्कोमाइसिटिस, यूनिसेलुलर ईस्ट, वेरी गुड, ईस्ट ले लिया, और ईस्ट कैसा था, हीट केल्ड था, आग से जलाकर ईस्ट को मार दिया, ठीक है ना। तो हीट केल्ड ईस्ट था, हीट केल्ड ईस्ट ले लिया। अब हीट केल्ड ईस्ट जो है हमने वो यहां पे लिया, एक ए फ्लास्क है जिसमें एटमॉस्फेयर का कनेक्शन नहीं है, और एक बी फ्लास्क है जिसमें एटमॉस्फेयर का कनेक्शन है। अब देखिए हमने क्या ऑब्जर्व किया, अब थोड़ी देर बाद क्या ऑब्जर्व किया कि किसी एक फ्लास्क में नए माइक्रो ऑर्गेनिज्म नजर आए और किसी एक फ्लास्क में नहीं आए, वो नया वो वाला फ्लास्क कौन सा होगा, किसमें नजर आए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो गरिमा अगर तुम साइंटिस्ट होती तो तुम क्या प्रूफ करती इस बात से, किस निष्कर्ष पे पहुंचती इस बात से कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कोई ओरिजिनेट नहीं हो रहे, सिर्फ अपनी जगह चेंज कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, ये बात आपने एकदम ठीक बोली कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कोई भी ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं नॉन लिविंग मटेरियल, नॉन लिविंग मटेरियल है ना उसको ओरिजिनेट नहीं हो रहे हैं, अगर ओरिजिनेट हो रहे होते तो फिर दोनों फ्लास्क में आते, अगर ओरिजिनेट ही होना होता तो एटमॉस्फेयर के उससे फर्क नहीं पड़ता, फिर तो दोनों जगह आते, लेकिन यहां पर आना और यहां पर ना आना ये प्रूव हो गया कि एटमॉस्फेयर का इंटरफेरेंस जरूरी है, इससे ये प्रूव हो गया कि कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर वाले ही बैक्टीरिया हैं जो यहां आ रहे हैं। तो इससे कौन सी थ्योरी डिसअप्रूव हो गई, इससे कौन सी थ्योरी डिसअप्रूव हुई, थ्योरी ऑफ ए एबायोजेनेसिस, वेरी गुड, नॉन लिविंग मटेरियल से लाइक सर इसलिए हम स्पॉन्टेनियस थ्योरी के लिए बोल रहे हो, मैं डिस्टर्ब किया करो, पेशेंस रख लो, बोलो तुमको इवोल्यूशन है स्लो प्रोसेस,
धीरे धीरे, पहले समझ लो फिर सोच लो, फिर डाउट आए फिर पूछो, ओके वेट अ मिनट। तो इससे ये प्रूफ हो गया कि नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ नहीं आई है। तो सवाल ये आता है कि नॉन लिविंग मटेरियल से लाइफ नहीं आई तो लाइफ आई कैसे? तो फिर इन सब ने एक थ्योरी दी है, ठीक है, वो थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। इससे क्या प्रूफ हुआ कि लिविंग मटेरियल से ही लाइफ आ सकती है, लाइफ ही लाइफ इवॉल्व करेगी। यहां पे बाहर लाइफ अंदर लाइफ, अगर बाहर लाइफ नहीं तो अंदर लाइफ नहीं होगी, अंडे नहीं होंगे तो मक्खियां नहीं आएंगी, बिना एक्स के लार्वा के मक्खियां नहीं आती, ठीक है ना। खाने को टपरवेयर में बंद कर दो तो नए बैक्टीरिया वो नहीं सकता, तो मतलब लाइफ से ही लाइफ आती है, दैट इज थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। क्लियर पॉइंट? तो ए बायोजेनेसिस क्या कहती है? नॉन लिविंग से लाइफ आई है। बायोजेनेसिस क्या कहती है? लाइफ से लाइफ आई थी। समथिंग लाइक रुडोल्फ वर्शो की थ्योरी कि ओमनिस सेल्ला ई सेल्ला, कि पुराने सेल से ही नए सेल आते हैं, न्यू सेल्स आर फॉर्मड बाय प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, और यही थ्योरी है बायोजेनेसिस की। आई सपोज बायोजेनेसिस और ए बायोजेनेसिस दोनों आपको क्लियर है। अब किसी को डाउट है वो पूछिए। सर बायोजेनेसिस समझ नहीं आया सर, क्या बताया? मैं कह रहा हूं कि लाइफ से ही लाइफ आएगी, बायोजेनेसिस इज लाइफ से ही लाइफ आती है, उसको आप बायोजेनेसिस बोलते हैं कि लाइफ से ही लाइफ आएगी। भैया एटमॉस्फेयर था ना बैक्टीरिया, एटमॉस्फेयर में था ना बैक्टीरिया, उसी बैक्टीरिया से लाइफ आई है, मतलब एटमॉस्फेयर का बैक्टीरिया से ही तो ये वाला बैक्टीरिया आया है, तो लाइफ से लाइफ आया। सर इससे तो ओरिजिन ऑफ लाइफ पता ही नहीं चलती, फिर लाइफ से लाइफ आई है तो क्वेश्चन तो ये था कि लाइफ ओरिजिन कहां से हुई लाइफ का। बहुत बढ़िया, आज अमन पाल पूरे साइंटिस्ट वाले मोड में है, आज फिर से साइंटिस्ट वाला ही सवाल उठा रहा है कि आप कह रहे हो कि लाइफ से लाइफ आ रही है, मैंने आपकी बात मान ली, ठीक है वेरी गुड, लेकिन पहली बार में तो कभी लाइफ आई होगी? लाइफ से लाइफ आई है ठीक है, लेकिन जो पहली लाइफ आई है वो कैसे आई है? ये सवाल अहम है और ये सवाल बड़ा है। अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो फिर मैं आगे उस पॉइंट में जा सकता हूँ कि लाइफ पहली बार कैसे आई है, लेकिन उसके लिए आपको ये क्लियर है ये मुझे बता दीजिए और इसको मैं मिटा सकता हूँ, ये मुझे बता दीजिए। सही, बायोजेनेसिस की थ्योरी लिस्ट पोस्टर नहीं दी है क्या? बायोजेनेसिस की थ्योरी एक्चुअली इसमें तीन साइंटिस्ट हैं, पास्टर फ्रांसिस रेडी, पास्टर है रेडी है, मैं कहां लिख नहीं आता, पास्टर है रेडी है और फ्रांसिनी है, पास्टर रेडी एंड फ्रांसिनी, there were three scientists who gave this theory. Put out, मिटा दे इसको। सर ये theory of spontaneous abiogenic theory कोई कहा जाता है? theory of spontaneous generation, ये तुम कौन सी किताब से पढ़ाई कर रहे हो भाई? हम abiogenic को ही theory of spontaneous generation बोलते हैं, spontaneous generation किस spontaneous life आ रही है। हाँ कौन सी किताब से पढ़ा तुमने स्पॉन्टेनियस जनरेशन गोविंद? सर यही एनसीईआरटी में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हां मेरे को बहुत टाइम हो गया एनसीईआरटी पढ़े, चलो आज मैं कल मैं पढ़ता हूं दोबारा से, वैसे मैं दो तीन बार पढ़ी है लेकिन बहुत टाइम हो गया पढ़े। हां सर स्कूल में जब चैप्टर हो रहा था वो एक इनहेरिटेंस वाला चैप्टर, तो उसमें ये बोला था सर ने कि जो सारी लाइफ आई है वो अमीनो एसिड और प्रोटीन से आई है, सर वही थ्योरी का? अरे भैया मैंने आपको पांच थ्योरी पढ़ाई है, बोला छह पढ़ाऊंगा, छठी तो पढ़ाई नहीं ना मैंने। और किसी का कोई सवाल? A01, B01, M01, A01, B01 और M01 लक्ष्मी नगर, ये पांचों बैच में से, या और सॉरी C01 मैं आपको भूल जाता हूँ, लेकिन आप C01 अपने आपको B01 में ही काउंट करो, ठीक है? तो जब मैं यमुनानगर B01 बोलता हूँ तो मेरा मतलब C01 से भी होता है, ठीक है? तो इन्हीं पांचों बैचेस में से किसी को कोई भी डाउट नहीं है तो आगे बढ़ेंगे, या कोई अपनी कोई थ्योरी कोई बात आगे रखना चाहता? ओके किसी को कोई ज्ञान शेयर नहीं करना तो मैं आपके साथ थोड़ा सा ज्ञान शेयर करूंगा जो है मेरे पास, अगला ज्ञान समझिएगा इंपॉर्टेंट है। अब बात आ रही है किसकी,
थ्योरी ऑफ केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. ये वो थ्योरी है जिसमें आज भी हम मानते हैं केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन. लेकिन ये ऐसा क्या बोलती है कि हमें मानना पड़ता है, मैं बताता हूँ. बहुत ही सिंपल सी थ्योरी है. ये कहती है कि लाइफ इज केमिकल्स. बात तो सही है, लाइफ इज केमिकल्स ओनली. भाई हम केमिकल ही तो है, केमिकल इंटरेक्शन ही है, लाइफ कुछ भी नहीं है. ठीक है, वो क्या बोलती है कि लाइफ इज नथिंग बट इंटरेक्शन ऑफ प्रोटीन्स, ओके, एंड लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स. ये तो है, कार्ब लिख रहा हूं. ठीक है, तो प्रोटीन्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट्स, ये सब है. ठीक है ना, अब प्रोटीन्स और लिपिड्स ये सब बने कैसे हैं भाई? ये सब बनाए गए हैं अमाइनो एसिड से. ठीक है ना, या सिंपल सिंपल न्यूक्लियोटाइड से. और न्यूक्लियोटाइड कैसे बने? राइबोस शुगर से. तो राइबोस, फॉस्फोरस, है ना, फॉस्फोरस, अमाइनो एसिड और नाइट्रोजनस बेसिस, राइबोस, ये सब मिल मिला के. और कार्बन के कंपोनेंट्स जैसे कि CH3 के कंपोनेंट्स का पॉलीमराइजेशन, है ना. तो इन सब सिंपल केमिकल से ये बने. और ये सब कैसे इवॉल्व होंगे? थोड़े थोड़े कॉम्प्लिकेटेड केमिकल जैसे C2H6, HCN, ठीक है ना, C2H5, ये सब चीजें, है ना, CH4, C2H6, C6H6, इन सब के मॉडिफिकेशन से ये बने होंगे, है ना. और ये सब कैसे बने होंगे? सिंपल, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, अमोनियम, NH3 आई सपोज, ठीक है ना, CH3, NH3, CO2, है ना, और क्या, ठीक है ना, ये सब हाइड्रोजन. और ये सब किस बारे में? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, एस, ये सब बेसिक केमिकल्स हैं. तो कहने का मतलब ये है, मेरे पास ध्यान से सुनेगा, दो साइंटिस्ट थे, उन साइंटिस्ट का नाम है ओपारिन एंड हार्डिन. ओपारिन एंड हार्डिन, इन्होंने क्या बोला कि देखो कि सिंपल सिंपल एटम्स थे, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन ऑफकोर्स, ये सब आपस में कंबाइन हुए डिफरेंट डिफरेंट कॉम्पोजिशन में. मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए हैं, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बने होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनियम आयन, CH3, हाइड्रोजन. और उसने बोला कि अर्थ का एटमॉस्फेयर उस वक्त बहुत ज्यादा हॉट था और कंटिन्यूअसली लाइटनिंग हो रही थी. क्या हो रही थी? लाइटनिंग हो रही थी, लाइटनिंग हो रही थी, बिजली बढ़ रही थी. और ये फैक्ट है, लाइटनिंग हो रही थी. वो कह रहे हैं कि टेम्परेचर बहुत हॉट था और बहुत लाइटनिंग हो रही थी, और उसकी वजह से ये जो केमिकल्स हैं इनको एनर्जी मिली कॉम्बिनेशन की. ये कंबाइन किए सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, अभी बात सुना, सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स फर्दर कंबाइन टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, विच फर्दर कंबाइन टू फॉर्म द बायोमैक्रिक मॉलिक्यूल्स, और इन्हीं के इंट्रैक्शन से अल्टीमेटली सेल लाइक ऑर्गेनिज्म का evolution was cell-like organism. Clear points? आ रही बात समझ में? और जिस cell-like organism की ये बात करते हैं उसको बोलते हैं protobiont. और protobiont में कुछ नहीं आया है, protobiont हम बोलते हैं कि जो structures हम बना पाए हैं, artificially बना पाए हैं, और जो सेल की तरह बिहेव कर सकते हैं, जहां जिनसे सेल इवॉल्व हो गया होगा. बायोंट मतलब सेल लाइक ऑर्गेनिज्म, और प्रोटोबायोंट मतलब जिनसे सेल बना है. वो क्या थे? कुछ नहीं, बाहर लिपिड की कवरिंग, अंदर प्रोटीन और शुगर, इन सब की, ये सब, और डीएनए मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल, अंदर जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन है, बाहर लिपिड की कवरिंग है. इस सिंपल स्ट्रक्चर को हमने बोला कि यही सेल का प्रिकर्सर है, ऐसे ही सेल इवॉल्व हुआ होगा. ठीक है, तो उसको बोल देते हैं प्रोटोबायोंट. ठीक है ना, आ रही बात समझ में? तो ये है केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन.
कि केमिकल के आपस में फ्यूज करने से ही धीरे धीरे सेल लाइक ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हो गया और स्लोली ग्रेजुअली सेल के मॉडिफिकेशन से अल्टीमेटली लाइफ आ गई। क्या ये बात आप सभी को क्लियर है? और ये वो थ्योरी है जो आज भी हम मानते हैं, ये इसी थ्योरी से बेटर थ्योरी हमारे पास कोई नहीं है, ठीक है, तो हम इसी थ्योरी को ही फॉलो करते हैं। किसी को कोई डाउट? आया ना, भूल जाकर यार, मैं सोचता तो अभी बोलेंगे यस नो यस नो यस नो, फिर मैं तुम्हारी खामोशी को तुम्हारी हाँ समझ लूंगा, आगे बढ़ जाऊंगा। मेरी आवाज आ रही है लोगों को? यस सर। इसको मिटा दें? यस सर। ओके, तो ये तो ही बेसिक सी छोटी सी प्यारी सी बात। अब सवाल क्या आता है, केमिकल थ्योरी तो आपकी बात ठीक है, हमने मान ली, लेकिन थ्योरी तो थ्योरी होती है, ठीक है। अगर मैं बोलूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी ये राघव कुछ बोल रहा था कि एप्स जो है वो बाहर दुनिया से आए और डायनासोर्स को मार दिया, जो भी है, जो भी कॉन्सेप्ट बता रहा था कि डायनासोर उस तरीके से एक्सटिंक्ट हो गए और फिर एप्स से धीरे धीरे ह्यूमंस वगैरह इवॉल्व हो गए, जो भी है वही बात कर रहा था, ठीक है ना। अब थ्योरी तो हो गई थ्योरी, ठीक है। अब थ्योरी हमेशा थ्योरी ही रहती है जब तक मैं उसको प्रूफ ना करूं, और प्रूफ करने के लिए मुझे चाहिए होता है साइंटिफिक एविडेंस। तो एक साइंटिस्ट हुआ करते थे मिलर, स्टैनली मिलर, और उनके साथ हुआ करते थे उनके को साइंटिस्ट यूरे। तो दो साइंटिस्ट थे, यूरे एंड मिलर, यू आर यू आई यूरे एंड एम आई डबल एल ई आर मिलर, ठीक है ना। साइंटिस्ट मतलब क्या हुआ? क्या सर आपने बोलो? गो साइंटिस्ट थे उनके साथ। हाँ, क्या वो सर गो साइंटिस्ट का मतलब? अमन पॉल क्या बोल रहे हो, दोबारा बोलो, मैं पास आ गया सुनने के लिए तुम्हारी बात। सर जो यूरे और मिलर थे उसके साथ, जो यूरे थे वो गो साइंटिस्ट थे, वो उसका मतलब समझ नहीं आया। अरे अरे गो नहीं, दो दो टू वन टू। ओके सर। हाँ, गो साइंटिस्ट क्या होता है भाई? गो तो कोरोना होता है, गो कोरोना गो। ओके, तो यूरे एंड मिलर वर टू साइंटिस्ट, यूरे और मिलर ऑफ कोर्स, जिसमें हम मिलर का नाम लेते हैं क्योंकि यूरे लेफ्ट द एक्सपेरिमेंट कहीं ना कहीं बीच में, तो हम जनरली मिलर का एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। अब इसने मिलर ने क्या बोला कि ठीक है, ओपारिन एंड हार्डिंग ये लोग कह रहे हैं, ये लोग बोल रहे हैं कि केमिकल थ्योरी एवोल्यूशन हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड अमोनिया और मीथेन कंबाइन कर गए जो फॉर्म धीरे धीरे अमाइनो एसिड एंड फर्दर फर्दर इस तरीके से, लेकिन क्या ऐसी चीजें कंबाइन कर सकती हैं? तो अगर कर सकती हैं तो ऐसा हुआ होगा मान लेते हैं, लेकिन अगर ऐसे नहीं कर सकती तो फिर हमें इस आइडिया को ड्रॉप करना होगा। तो ये देखने के लिए कि क्या ऐसा हो सकता है, उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियली ऐसा जानबूझ के करने की कोशिश करी, और अगर वो जानबूझ के करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ऐसा हुआ होगा, और अगर वो खुद भी जानबूझ के नहीं कर पाए, ऐसी कंडीशंस बना के भी नहीं कर पाए जैसे पहले अर्थ थी, तो ऐसा मतलब तब भी नहीं हुआ होगा, ये सिर्फ एक थ्योरी है। क्लियर पॉइंट? तो अब इन्होंने क्या किया, प्रिमिटिव अर्थ जैसी कंडीशंस क्रिएट करने की कोशिश करी। कैसे करी? बहुत सिंपल है, ध्यान से समझेगा। इन्होंने सबसे पहले एक फ्लास्क लिया, एक छोटा फ्लास्क, राउंड फ्लास्क मतलब गोल फ्लास्क है, तो इसको हम राउंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट भी बोल देते हैं। फिर एक छोटा गोला लिया, एक बड़ा गोला लिया, ठीक है। बड़ा गोला जो है वो अर्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जैसे कि आपको याद है उस टाइम पे अर्थ बहुत ही हॉट थी, इसलिए यहां का टेम्परेचर रखा गया बहुत ही हॉट, तकरीबन 800 डिग्री सेल्सियस,
और अर्थ में क्या हो रहे थे, स्पार्क्स हो रहे थे, बिजली कड़क रही थी, तो दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए, क्या लगा दिए, दो इलेक्ट्रोड्स लगा दिए क्या करने के लिए, बिजली कड़काने के लिए, स्पार्क्स करने के लिए, स्पार्किंग होने लगी, इलेक्ट्रोड लगा दिया, स्पार्क हो गई, 800 डिग्री सेल्सियस क्या हो गया, टेम्परेचर हो गया। अब प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ में गैसेस कौन सी थी, वो गैसेस यहाँ ले ली, कौन सी गैसेस थी, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड मीथेन, ये गैसेस थी, ये गैसेस ले ली लगभग उसी रेशियो में जिस रेशियो में थी, दैट इज 2:1:2, उसी रेशियो में गैसेस भी ले ली यहाँ पे, ठीक है, क्लियर पॉइंट। अब इसके अलावा क्या था, पानी उबल रहा था, ओशन में पानी उबल रहा था, तो ये आ गया ओशन, ये ओशन है जिसका पानी है, इसको उबाल देंगे, यहाँ पे बॉयलर लगा दिया, बॉयलर आ गया, बॉयलर की वजह से बॉयल होगा, और बॉयल होके एटमॉस्फेयर में जाएगा, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जाएगा, तो यहां से यहाँ पे एक पाइप जोड़ दी, एक ट्यूब जोड़ दी, 1, 2, ठीक है, सो ट्यूब वॉज जॉइंट, करेक्ट, ओके, सो वॉटर इज इवेपोरेटिंग एंड इज पासिंग हियर इनटू द एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ एंड हियर वी आल्सो हैव H2O वेपर्स, क्लियर। अब हीट और स्पार्क की वजह से ये सब चीजें क्या करेंगी, कंबाइन करेंगी तो, लेकिन कंबाइन तो गैस की फॉर्म में करेंगी, अब गैस की फॉर्म में कंबाइन कर रही है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे कंडेंसर लगा दिया ताकि इसको ठंडा करके हम कलेक्ट कर सकें, तो लगा दिया क्या, कंडेंसर लगा दिया ताकि इकट्ठे हो जाए, इकट्ठे होकर हम क्या कर सकें, कलेक्ट कर सकें, ठीक है। ये हमने यूट्यूब कह रहा हूं, एक यू शेप की ट्यूब लगा दी, ठीक है, और इसको उठा के यहाँ पे फिर फाइनल इसको यहाँ कनेक्ट कर, ठीक है, और बीच बीच में सैंपल को इकट्ठा करने के लिए एक सैंपल पोर्ट लगा दिया, यहां से हम सैंपल को कुछ इकट्ठा भी कर सकते, है ना, तो दिस इज सैंपल कलेक्टर एंड पोर्ट, यहाँ पे सैंपल जो होगा, जो भी बनेगा वो आगे इकट्ठा हो जाएगा, और ये यहाँ पे, क्लियर। तो ये पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप है मिलर का, राउंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट पढ़ लीजिए, क्योंकि आपके एग्जाम में भी आ सकता है, नीट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, कि बॉयलर में पानी गर्म हो रहा है, वाटर वेपर यहाँ पहुंच रहा है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आ गया, वाटर वेपर, हाइड्रोजन, अमोनिया एंड द मीथेन इन रेशियो 2:1:2। अब हुआ क्या, अब देखिए समझिएगा बात, कि हम जब भी कुछ एक्सपेरिमेंट करना होता है, हम सिर्फ एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते, क्यों, मतलब मान लीजिए कि मैं कल ही बताता हूँ कि हम एक एक्सपेरिमेंट रखते हैं, कंट्रोल रखते हैं, एक एक्सपेरिमेंट जो कहता है कि हाँ ये होगा, और कंट्रोल ये बताने के लिए कि अगर ये चीज नहीं है तो यही फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है वो करने के लिए। फिर मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ, शायद मैंने पहले भी लिया होगा, कि मान लो कि मैं बोलूं ये चौक है, ठीक है ना, ये चौक नहीं समझे, इसको समझिए ये एक दवाई है, मैं बोलूं ये दवाई जो है खा के कोरोना वायरस से मुक्ति मिल जाती है, ठीक है ना, मतलब कोरोना वायरस मर जाता है, तो इट इज अ मेडिसिन अगेंस्ट कोरोना वायरस, ऐसा मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, मान लेते हैं, एग्ज्यूम कर लेते हैं, ठीक है। अब अगर मुझे अपनी बात प्रूफ करनी है तो मैं क्या करूंगा, मैं अब दो काम कर सकते हैं, अब या तो मैंने 50 लोगों को ये वाली मेडिसिन दे दी, ठीक है, और 50 में से 40-45 लोग ठीक हो गए, तो क्या मैं कह सकता हूँ कि मेरी मेडिसिन की वजह से वो लोग ठीक हुए, हो सकता है उन्होंने कोई फ्रूट खाया उसके ठीक हो गए, हो सकता है खुद ब खुद ठीक हो गया, हो सकता है उनको कोई और चमत्कारी तो वो ठीक हो गए, तो ऐसा मैं नहीं कह सकता, मुझे ये कहने के लिए कि मेरी ही दवाई से कोरोना वायरस से लोग ठीक हुए, मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 100 लोग लेने पड़ेंगे, ठीक है ना, 50 को मैं अपनी दवाई दूंगा ये वाली, और 50 को सिर्फ बोल दूंगा कि तुम्हें भी ये दवाई दी जा रही, ठीक है ना, इसको बोलते हैं प्लेसेबो इफेक्ट, उसको उनको बोलूंगा तुम्हें भी कोरोना की दवाई दी जा रही, लेकिन दूंगा उनको क्या मैं शुगर पिल्स, सिर्फ मीठी मीठी गोलियां, ठीक है ना, तो आधो को सच में मैंने दवाई दी और आधो को सिर्फ बोला कि उनको भी दवाई दी जा रही है, मतलब उनको ये माइंड में ना ही रहे कि हाँ उनको हमें तो कोरोना की मेडिसिन नहीं मिली तो हम तो ठीक नहीं होंगे, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ना हो, तो इसलिए उनको भी ये बोला कि तुमको भी कोरोना की मेडिसिन मिली है, ठीक है, 50 लोगों को कोरोना की मेडिसिन दी, 50 लोगों को कोरोना की मेडिसिन नहीं दी लेकिन शुगर पिल्स दे दी। अब
अब मैं टेस्ट करूंगा कितने लोग ठीक हुए। अब अगर सिर्फ वही वाले लोग ठीक होते हैं जिनको मैंने अपनी मेडिसिन दी है, करेक्ट, और वो लोग नहीं ठीक होते जिनको मैंने अपनी मेडिसिन नहीं दी है, ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ मेरी मेडिसिन ही है जो कोरोना वायरस को क्या कर रही है, ठीक कर रही है। क्लियर है पॉइंट? तो सिर्फ एक्सपेरिमेंट रन करने से, तो अरे शांति रहो एक मिनट, सिर्फ एक्सपेरिमेंट रन कर देने से मैं ये नहीं कह सकता कि मेरी मेडिसिन काम कर रही है, मुझे साथ में एक और ग्रुप रखना पड़ता है, उस ग्रुप को मैं बोलता हूँ कंट्रोल, ठीक है ना। उस कंट्रोल में मैं बहुत ध्यान रखता हूँ कि जो खाना इसको दे रहा हूँ वही खाना इसको मिले, जहाँ जैसा एनवायरमेंट इसको दे रहा हूँ वैसा एनवायरमेंट इसको मिले, मतलब दोनों में सारे पैरामीटर सेम हो, सिर्फ एक पैरामीटर का फर्क हो कि इसको कोरोना की मेडिसिन मिली और इसको नहीं मिली, तभी मैं बोल पाऊंगा कि मेरी मेडिसिन इफेक्टिव है। आ रही बात समझ? क्योंकि दोनों में फर्क किसका था? सिर्फ एक मेडिसिन का। अगर दो चीजों का फर्क होता तो मैं कह नहीं पाता ना कौन सा वाला फैक्टर वॉज रिस्पॉन्सिबल, ठीक है ना। आ रही बात समझ में? क्लियर है पॉइंट? तो उसको हम बोलते हैं कंट्रोल। अब मेरी पूरी बात सुनो, फिर सवाल करना। तो मिलर ने भी क्या किया, एक तो ये रखा, इसको बोल रहे एक्सपेरिमेंटल सेटअप, जिनको कोरोना की मेडिसिन दी, और एक में क्या किया, ये जो एनर्जी सोर्स है ना, एनर्जी सोर्स कौन है, ये इलेक्ट्रोड, बिजली का रखने वाला और हाई टेम्परेचर, इन दोनों को नहीं रखा, एनर्जी सोर्स नहीं रखा, मतलब वही राउंड फ्लास्क, वही कलेक्टर, वही बॉइलिंग वाटर, सिर्फ एक ही बदलाव है, वो क्या है कि ये इलेक्ट्रोड नहीं है और टेम्परेचर हाई नहीं है, मतलब कोई भी एनर्जी सोर्स नहीं है, उसको बोला कंट्रोल। अब हुआ क्या, अब 18 दिन तक, 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चला, ठीक है, 18 डेज तक ये एक्सपेरिमेंट चलने के बाद जब सैंपल कलेक्ट किया गया तो सैंपल में हमें कुछ तो सिंपल चीजें मिली और कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मिली, अमीनो एसिड। कौन सा अमीनो एसिड? एलानिन, ग्लाइसिन, एस्पार्टिक एसिड। अगर कंडीशंस ऐसी हो और ऐसी गैसेस हो तो टाइम के साथ स्लोली ग्रेजुअली कुछ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड अमीनो एसिड वगैरह बन सकते हैं। क्लियर पॉइंट? तो इस तरीके से मिलर ने साइंटिफिक प्रूफ दिया टू द थ्योरी ऑफ अपारिन एंड हार्डिन, मतलब जो थ्योरी प्रूफ की गई है वो अपारिन और हार्डिन की ही की गई है, जो थ्योरी प्रूफ की गई है वो अपारिन और हार्डिन की केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ही प्रूफ की गई है, कोई नई थ्योरी नहीं दी है। सो यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट इज अ प्रूफ ऑफ केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। एक बार एक क्वेश्चन भी आया था कि गिव साइंटिफिक प्रूफ फॉर केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना, लोगों ने क्या किया, वो ओपारिन स्टूडेंट्स ने मतलब क्या किया, बोर्ड में ओपारिन और हार्डिन की कहानी लिखा है और उनको मिला क्या, जीरो। क्योंकि सवाल क्या था, गिव द प्रूफ ऑफ ओपारिन एंड सॉरी गिव द प्रूफ ऑफ केमिकल थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, मतलब वो क्या मांग रहा है आपसे, यूरेन मिलर का राउंड फ्लास्क एक्सपेरिमेंट। अच्छा, ये एक्सपेरिमेंट कितना इंपॉर्टेंट है मैं आपको और बताता हूँ। अब इसके बाद देखो, आप एक आइडिया देते हो, फिर आइडिया के ऊपर ना लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन से और बेटर रिजल्ट्स लेके आते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो इनिशियल आइडिया मिल गया साइंटिस्ट को कि ऐसा भी कर सकते हैं, फिर उन्होंने और रिसर्च लगाया और दिमाग लगाया, क्या किया सुनना बड़ा इंटरेस्टिंग है, उन्होंने ये जो एनर्जी सोर्स है वो बदल दिया, क्या किया, हीट के बजाय स्पार्क के बजाय उन्होंने यूवी लाइट ले ली, है ना, यूवी लाइट एज एन एनर्जी सोर्स ले लिया, और क्या किया, केमिकल्स थोड़े से कॉम्प्लेक्स कर दिया, हाइड्रोजन अमोनिया की जगह HCN है ना, C2H6, ऐसे कॉम्प्लेक्स थोड़े से केमिकल ले लिए। अब क्या हुआ, हमें उसके बाद फिर से रिजल्ट्स मिले, और रिजल्ट्स क्या थे सुनना ध्यान से, रिजल्ट्स थे अमीनो एसिड्स, राइबोस शुगर, ठीक है ना, अमीनो एसिड, राइबोस शुगर, छोटी मोटी पिगमेंट्स यानी लिपिड्स, और एक आध तो हमें ऑलिगो न्यूक्लियोटाइड्स में मिले हैं, मतलब न्यूक्लियोटाइड बनकर पॉलीमराइज होने लग गए, मतलब साफ साफ प्रूव हो गया कि कंडीशंस अगर सही मिले तो केमिकल्स, सिंपल केमिकल्स भी इस तरीके से राइबोस राइबोस में और न्यूक्लियोटाइड्स और लिपिड्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। अब सुनिए मजे की बात, मजे की बात यह है कि जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करी कि जो एस्टेरॉइड्स या मेटेरॉइड्स अर्थ से टकराए कुछ,
जब वो टकराए और उसका जब मटेरियल देखा गया, जब वो मटेरियल को टेस्ट किया गया, तो वो मटेरियल जो टेस्ट किया गया वो मटेरियल वैसा ही था जैसा ओपारिन हार्डिंग के एक्सपेरिमेंट यहां से मिलता है। तो जो मटेरियल यहाँ सैंपल से कलेक्ट हो रहा है वो मटेरियल एस्टेरॉइड्स और मेट्रॉइड्स में भी मिला है। इससे आप क्या प्रूफ मान सकते हैं? इससे आप ये प्रूफ मान सकते हैं कि जो चीज अर्थ पे 4 बिलियन साल पहले हो रही थी वो कहीं दूर दुनिया में वही चीज हो रही है आज। मतलब बिलियंस ऑफ इयर्स में जहां वो ये है, यहाँ पे जहां पे ये चीज हो रही है, बिलियंस ऑफ इयर्स में हो सकता है वहां लाइफ आ जाए। क्लियर पॉइंट? और ऐसा भी हो सकता है कि किसी और प्लेनेट पे, किसी और दुनिया में बिलियंस ऑफ इयर्स पहले वो काम पहले ही हो चुका हो और सच में एस्ट्रॉइड के फॉर्म में ही या मेटियोर के फॉर्म में ही वही चीज अर्थ पे आई हो और लाइफ इवॉल्व हो गई हो। या कुछ कुछ ऐसे स्पीसीज हो सकते हैं जो एक्चुअल में सच में ही बाहर से आए हो और फिर यही के बन गए हो। तो हम थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन ऑफ लाइफ को भी कंप्लीटली नहीं छुटलाते, कंप्लीटली उसे जीरो हम नहीं मानते। उस बात में भी हमारी कहीं ना कहीं सोच है, कहीं ना कहीं थ्योरी है। तो आई सपोज दैट इज ऑल अबाउट द यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट। आपको नॉर्मली जो पढ़ाया जाएगा सिर्फ यूरेन मिलर एक्सपेरिमेंट पढ़ाया जाएगा। मैंने आपको काफी सारे डिटेल्स बता दी, काफी सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल बता दी। अब किसी को कोई डाउट है तो मुझसे पूछ लो, नहीं है तो हम आगे बढ़ेंगे। बिग बैंग थ्योरी सही है गलत है? पता नहीं, और कोई थ्योरी नहीं हमारे पास। सर देखो सर, थ्योरी अगर प्रूव हो गई तो थ्योरी बिग बैंग थ्योरी से बेटर तो मैं नहीं दे सकता। बिग बैंग थ्योरी से बेटर थ्योरी हमारे पास कोई है नहीं। तो जब तक कोई और दूसरी थ्योरी नहीं है तो हाँ वही हुआ होगा, वही मानना पड़ेगा। सही गलत मैं तो बता नहीं सकता ना, मैं कौन हूँ बताने वाला सही है गलत। सर मैं कह रहा हूँ अगर इस थ्योरी को प्रूव कर दे तो थ्योरी की वजह से लॉ क्यों नहीं बना दिया? क्या किसको? सर इसी छठी थ्योरी को लॉ के नाम से बोल देता ना, क्योंकि यही हुआ था, प्रूफ हो गया। अरे भैया ये कोई ये थोड़ी ना है कि ये होता है तो यही होता है। मैं लॉ कैसे बना दूं? क्या लॉ बनाऊं कि जब टेम्परेचर हाई होता है और इलेक्ट्रोड्स मिलते हैं तो ये सिंपल केमिकल एलानिन ग्लाइसिन बन जाते हैं? ये लॉ बनाऊं? ये लॉ क्या बनाऊं? व्हाट इज द फॉर्मुलेशन ऑफ लॉ? लॉ क्या क्या लॉ बनाऊं? ओरिजिन ऑफ लाइफ ऐसे ही हुई। तो लॉ क्या होता है? लॉ तो एक वो होता है ना कि एक 2+2=4 है, ये एक लॉ है एक तरीके से, मैथमेटिक्स का एडिशन का लॉ है। तो हम यहाँ पे क्या लॉ बना दू? इसको थ्योरी होगी ना, मतलब हुआ था उसके बाद ही लाइफ ओरिजिन हुआ ना, यही तो लॉ होगा। अरे गुरु जी पाइथागोरस थ्योरी है, लॉ है, लॉ है पाइथागोरस, लॉ है थ्योरम है, थ्योरम है ना, फिर उसको भी लॉ बोल दो। लॉ तो एक होता है कि ये है तो ये होगा, ठीक है ना। ग्रेविटेशन लॉ है, there is a force known as gravity, कोई भी चीज नीचे खींचती हुई जाएगी, that is gravitational law, universe का law है, ठीक है ना। तो law तो एक कानून होता है ना, ये कानून थोड़ी ना है यहाँ पे ये होना ही होना है, condition का कानून बहुत सिंपल होते हैं कि ये खुद ही होगा, ठीक है, समझ गए? Yes sir। थोड़ी प्रूव हो जाएगी तो लॉ बन जाएगी, ये सब बेकार की बातें हैं, ज्यादा ध्यान दिया करो इस बात। और बताओ मैंने किसी की बॉय की आवाज थी शायद राघव था सर, सर मैं ये पूछ रहा हूँ वो सर ऐसे एक्सपेरिमेंट करके जो हमारे लिए एसेंशियल प्रोटीन हम वो बना सकते हैं क्या? क्या करके सर? कुछ नहीं कुछ अच्छा, नहीं अच्छा तो मैं नहीं कुछ नहीं क्यों मैं सुनूं क्या तुम कह रहे हो कि ऐसे एक्सपेरिमेंट करके हम एसेंशियल प्रोटीन बना रहे हैं? क्यों बनाऊं मैं? पहले तो प्रोटीन बनाना बनाने के लिए मुझे वो सारे अमीनो एसिड चाहिए वो स्पेसिफिक, फिर एक सही कॉम्बिनेशन से चाहिए, सही ऑर्डर में जुड़ने चाहिए। भाई मुझे सिर्फ वो अमीनो एसिड ही चाहिए, वो 600 या 700 अमीनो एसिड, वो 600 और 700 अमीनो एसिड उसी ऑर्डर में जोड़ने के लिए चाहिए। तो वो इतना आसान प्रोसेस नहीं है कि प्रोटीन बना दो, प्रोटीन नहीं बना सकते हम, ठीक
ठीक है ना, और बना भी सकते हो मैं तो क्यों बनाऊ मैं, जब मैं ऑलरेडी सेम प्रोटीन एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो जब जो चीज मैं इजिली एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ बनाऊ क्यों, मैं बनाता हूँ उन चीजों को जो मैं नेचुरली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकता। और बताइए, हाँ गरे मैं कुछ पूछ रही थी। सर ये जो लैब में हुआ ये केवल 18 दिन में हो गया, और अर्थ पे जो हुआ वो इतने बिलियन इयर्स में हुआ, ये क्यों? बहुत बढ़िया, 0.5 बिलियन ईयर्स में हुआ था, मैं उसका रीजन बताता हूँ, ठीक है। जो लैब में हुआ है, ठीक है, वो आप क्या ले रहे हो, आपने ये पानी बॉइल किया, खूब सारा कंसेंट्रेशन हाइड्रोजन का सब इन सब का ले लिया, ठीक है, और इलेक्ट्रोड का कंटिन्यूस पार्किंग कराते रहे, टेम्परेचर एकदम हाई रखा, तो आपने क्या किया और आपको मिला भी क्या है, सिंपल से मतलब अमीनो एसिड। अब ये सोचो कि अमीनो एसिड से धीरे धीरे प्रोटीन बनना, फिर प्रोटीन से धीरे धीरे इनका इंट्रैक्शन करना, फिर लाइफ आना, तो उसमें धीरे धीरे टाइम लगा। दूसरा स्पार्क्स इतने कॉन्स्टेंट और इतना कम डिस्टेंस इन दोनों चीजों का वो भी नहीं है, और बहुत सारा एटमोसफेयर में अमाउंट बनाना है, तो जब चीजें जितनी बड़ी होती हैं उसमें उतना उतना ज्यादा क्या लगता है, टाइम लगता है। देखो ये होता है ना कि अगर आप पानी उबालोगे या तो थोड़ा पानी उबालोगे तो जल्दी उबलेगा, और जब ज्यादा पानी उबालोगे तो उसमें ऑफकोर्स टाइम भी लगेगा। बट हाँ वो बात, वो एक तो वो फैक्टर है कि कितना अमाउंट बना रहे, दूसरा ये फैक्टर है कि सिर्फ यही नहीं है, अमीनो एसिड बनना ही नहीं है, आगे पॉलीमराइज होना, प्रोटीन बनना, डीएनए बनना, फिर उनका स्टेबल होना, फिर एक के अंदर घुस जाना, फिर सेल का बनना, उसमें टाइम लगता है। ठीक है गरिमा, ठीक है आयुषी, सॉरी यस सर। और बताइए एनीबॉडी एल्स विद एनी अदर डाउट, चलिए अब बाकी बात करते हैं, आगे बात करते हैं। अगला कॉन्सेप्ट है कि ऑरिजिन ऑफ लाइफ में सेल एक्चुअली कैसे इवॉल्व है, सेल का अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो किस ऑर्डर में हुआ है, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले कुछ था प्रोटोबायोन, प्रोटोबायोन में जो माइक्रोस्फीयर है, माइक्रोस्फीयर क्या है, कुछ नहीं है माइक्रोस्फीयर, बाहर लिपिड, बाहर क्या लिपिड, अंदर प्रोटीन, नहीं लिपिड और प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है। अब हुआ ये कि एक सेल एक सिस्टम है, लिपिड है प्रोटीन है अंदर, उसमें क्या हुआ, डीएनए या आरएनए, ठीक है, जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए, जो अब हम जानते हैं आरएनए घुस गया और स्लोली ग्रेजुअली सेल लाइक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन हुआ कि भाई बाहर लिपिड है और अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल था लेट से आरएनए, और स्लोली ग्रेजुअली ये जो आरएनए है वो स्लोली ग्रेजुअली डीएनए में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, अब जेनेटिक मटेरियल बना और ये जो स्ट्रक्चर है हमारा फाइनली, हालांकि शुरुआत में आरएनए था, बाद में क्या हुआ है डीएनए, तो हम मानते हैं थ्योरी नोन एज आरएनए वर्ल्ड, ठीक है ना, ये पहले आरएनए आया है फिर डीएनए आया है, ठीक है ना, पहले आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहा है, बाद में डीएनए हुआ है। तो शुरू में जो ऑर्गेनिज्म स्टेबलाइज हुए, जो ऑर्गेनिज्म बने, वो ऑर्गेनिज्म सबसे पहले कीमोहेट्रोट्रॉफ मतलब केमिकल एनर्जी को इस्तेमाल करने वाले अपने फूड की तरह से, ठीक है ना, फर्दर अपनी बॉडी के मेटाबॉलिज्म के लिए। तो कीमोहेटरोट्रॉफ क्यों थे, क्योंकि आप ये समझिए कि पहले टाइम में क्या था कि केमिकल्स दुनिया भर के थे, बहुत सारे केमिकल्स थे, केमिकल की बहुत अवेलेबिलिटी थी, तो जब ऑलरेडी खाना मौजूद है, एनर्जी सोर्स मौजूद है, तो मैं खाना बनाऊं क्यों, तो इसलिए ऑटोट्रॉफ इवॉल्व नहीं हुए हैं, पहले ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए हैं वो क्या थे, हेटरोट्रॉफ। जब खाने की कमी होने लगी, ठीक है ना, तब खाने को रेप्लेनिश करने के लिए, एनर्जी सोर्स को रेप्लेनिश करने के लिए हेटरोट्रॉफ की जगह ऑटोट्रॉफ आ गए, कौन आए, कीमो ऑटोट्रॉफ, कौन आ गए, कीमो ऑटोट्रॉफ आ गए, आ रही बात समझ में, क्लियर है पॉइंट, तो कीमो ऑटोट्रॉफ से कौन इवॉल्व हुए, कीमो ऑटोट्रॉफ इवॉल्व हुए,
फिर धीरे धीरे पिगमेंट इवॉल्व हुई, क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट इवॉल्व हुई। अब क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट क्या करती है, एनर्जी के लिए सन की एनर्जी को ट्रैप कर लेती है। तो रहते ऑटोट्रॉफी है, बस कीमो की जगह फोटो ऑटोट्रॉफ बन जाते। कब आए, जब क्लोरोफिल इवॉल्व हो गया। तो क्लोरोफिल के एवोल्यूशन से जो अगले आए वो कौन आए, फोटो ऑटोट्रॉफ। कौन आ गए, फोटो ऑटोट्रॉफ आ गए विद द एवोल्यूशन ऑफ या विद द ओरिजिन ऑफ द पिगमेंट्स नोन एज क्लोरोफिल। क्लोरोफिल से फोटो ऑटोट्रॉफ है। लेकिन ये फोटो ऑटोट्रॉफ्स, देखिए आप जो फोटो ऑटोट्रॉफ जानते हो ना, बैक्टीरिया, सियान बैक्टीरिया, वो क्या कर रहा है, वो वाटर को इस्तेमाल कर रहा है, H2O को स्प्रेड कर रहा है, इसलिए रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन। ये अलग थे, ये H2S इस्तेमाल कर रहे थे, हाइड्रोजन सल्फाइड इस्तेमाल कर रहे थे, इसलिए लिबरेट कर रहे थे S2, मतलब नॉन ऑक्सीजन लिबरेटिंग फोटो ऑटोट्रॉफ्स पहले इवॉल्व हुए। फिर फाइनली इनसे इवॉल्व हुए द H2O को इस्तेमाल करने वाले और ऑक्सीजन को लिबरेट करने वाले फोटो ऑटोट्रॉफ्स, सियानो बैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिज्म, सियानो बैक्टीरिया जैसे ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए। और ये इनके बाद फाइनली जो इवोल्यूशन हुआ है वो इनसे धीरे धीरे स्लोली ग्रेजुअली कंपार्टमेंटाइजेशन होने की वजह से ट्रू सेलुलर फॉर्म्स आई। क्या है, ट्रू सेलुलर फॉर्म्स, जिसको हम बोलते हैं द यूकैरियोटिक सेल। कौन सा सेल, यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोट्स, जहां पे कंपार्टमेंटाइजेशन वगैरह होते हैं। एक बार यूकैरियोट्स आ गए तो इनके वेरिएशन और इवोल्यूशन और मॉडिफिकेशन म्यूटेशन की वजह से स्लोली ग्रेजुअली वेरिएशन होता गया। अब समझने वाली बात क्या है, समझने वाली बात यह है कि ये जो पहले ऑर्गेनिज्म थे, ये पहले वन, ये टू, ये थ्री और ये फोर और फिर ये फाइनली फाइव, ठीक है ना। ये जो पहले ऑर्गेनिज्म है ये आए हैं तकरीबन ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं अराउंड 4 बिलियन ईयर्स को, हम बोलते हैं 4 बिलियन ईयर्स को पहले क्या थे, लाइफ आई, ठीक है, 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4 BYA। और ट्रू सेलुलर फॉर्म्स करीब करीब आएंगे अराउंड 1.5 बिलियन ईयर्स को या 2 बिलियन ईयर्स को बोल सकते हैं, 1.5 BYA, 1.5 × 10⁻¹⁹ ईयर्स, ठीक है ना। तो ये 1.5 बिलियन ईयर्स अगो ट्रू सेलुलर फॉर्म, दैट इज यूकैरियोट्स, और 4 बिलियन ईयर्स अगो पहले आपके पास लाइफ आई है इन द फॉर्म ऑफ लेट्स से कीमोहेटरोट्रॉफ, कीमोहेटरोट्रॉफ, कीमोऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ नॉट रिलीजिंग ऑक्सीजन, देन फोटो ऑटोट्रॉफ रिलीजिंग ऑक्सीजन, एंड देन स्लोली ग्रेजुअली द यूकैरियोट्स। तो ये है ऑर्डर ऑफ लाइफ, क्लियर है पॉइंट। और डीएनए और आरएनए में पहला जेनेटिक मटेरियल कौन सा रहा है, आरएनए रहा है, क्लियर है पॉइंट। ऐसा हम ने प्रूफ कर दिया है, कैसे उसके बाद हम जाएंगे, ये क्लियर है आपको। किसी को कोई डाउट है इसका पॉइंट्स में, कोई डाउट होगा मुझे बता दीजिए सर, स्क्रीनशॉट ले लो। आज की क्लास के लिए इतना ही है, किसको स्क्रीनशॉट नहीं हो रही भाई, सर कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं सर। कीमो ऑटोट्रॉप्स क्यों बने, कीमो ऑटोट्रॉप्स क्यों बने, यस सर कैसे बने, मतलब मैं जो कैसा मैं कैसे क्या बने, कैसे का मतलब ये है कि हेट्रो तो सिर्फ केमिकल्स को ले रहे हैं, इवॉल्व बाहर केमिकल को लिया और एनर्जी कंज्यूमर लग गए। अब उस एनर्जी का साइकिल बनाना कि केमिकल को ही एज अ फूड ले रहे हैं और केमिकल एनर्जी ही इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ब्रेक करने के लिए, तो फिर वो कीमो क्या कहते हैं उसको, ऑटोट्रॉफ बन गए। तो पहले जब केमिकल्स खूब सारे थे है ना, तो कीमो हेट्रोट्रॉफ थे। जब लगा कि केमिकल्स अब खत्म हो रहे हैं, ठीक है ना, इनको रेप्लेनिश करने की जरूरत है सर्वाइव करते रहने के लिए, तो फिर कीमो ऑटोट्रॉफ इवॉल्व हो गए। ओके सर, किसी और को और कोई डाउट, ओके। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि व्हाई डू आई से कि डीएनए और आरएनए में आरएनए पहले आया है डीएनए बाद में आया है, उसकी देखिए पहले हम अगर हम जेनेटिक मटेरियल बहुत सारे बैक्टीरिया का बाकी ऑर्गेनिजम्स का देखें, तो हमने क्या देखा कि सबका जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है,
बैक्टीरिया से लेके ह्यूमन तक का जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए। तो साइंटिस्ट ने बोला देखो डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल रहा होगा, ठीक है, लेकिन आरएनए में कुछ बेहतरीन ऐसी प्रॉपर्टीज थी, बड़ी खूबसूरत प्रॉपर्टीज थी जो बार बार बोल रही थी कि नहीं यार आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं वजह बताता हूँ कि आरएनए क्यों जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। पहले तो आरएनए एज एन एंजाइम भी काम कर सकता है, और कैसा एंजाइम, क्यों खुद को कैटलिस्ट कर सकता है, ठीक है, पहला तो ये रीजन। दूसरा रीजन, आरएनए अनस्टेबल होता है, और शुरू में इवोल्यूशन इवॉल्व होने के लिए ना आपको फटाफट वेरिएशन और चेंजेस चाहिए, फटाफट बदलाव चाहिए। तो अब डीएनए बड़ा ही स्टेबल सा है, आरएनए थोड़ा अनस्टेबल है, तो आरएनए जल्दी 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 क्या ला सकता है, चेंजेस ला सकता है। तो इवोल्यूशन फोर्स को क्विक करने के लिए आरएनए जेनेटिक मटेरियल रहना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमारी सुई इस बात पर अटकी हुई थी दो बातों से कि आज तो जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, तो लोगों ने बोला कि देखो ऐसा तो हो सकता है कि जेनेटिक मटेरियल आरएनए ही रहा हो, लेकिन लेकिन क्योंकि वो थोड़ा सा लेस स्टेबल था, तो स्टेबिलिटी पे जाने के लिए आरएनए डीएनए में कन्वर्ट हो गया, इसलिए डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल, ऐसा लोगों ने बोला। अब लोग बोल तो रहे थे लेकिन प्रूफ नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम था जब लोग ये सोचते थे कि डीएनए से आरएनए बनता, सेंट्रल डॉग्मा ऑफ बायोलॉजी था, डीएनए से आरएनए बनता, आरएनए से डीएनए नहीं बन सकता। ये तब की बात है जब हमें पता चला कि कुछ रेट्रो वायरसेस हैं जो आरएनए से डीएनए भी बना सकते हैं, तब हमें एहसास हुआ कि हाँ अगर आरएनए से डीएनए बन सकता है और आरएनए अनस्टेबल भी है और आरएनए जो है वो क्या कहते हैं सिंगल स्ट्रैंडेड अनस्टेबल और एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, तो हमने फिर कहा कि हाँ आरएनए की जेनेटिक मटेरियल शुरू में रहा होगा क्योंकि वो एंजाइम की तरह भी काम कर सकता है, वो शुरू में अनस्टेबिलिटी यानी जो क्विक म्यूटेशन चाहिए वो भी ला सकता है, ठीक है ना, और बाद में स्टेबिलिटी के लिए डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल हो गया होगा, इसलिए आज आपको सब जगह डीएनए नजर आता है, ठीक है ना। तो यही थ्योरी है कि आज डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, मोस्टली सिर्फ वायरसेस में ही आरएनए मिलता है, लेकिन एक टाइम पर आरएनए ही मेन जेनेटिक मटेरियल रहा था, इसलिए हम आरएनए वर्ड की बात कर रहे हैं। कौन पहले, डीएनए पहले, आरएनए पहले? आंसर इज आरएनए। क्लियर पॉइंट? कोई डाउट? आज सर अच्छा लग रहा है, पता आपको आज सर अच्छा लग रहा है, ये डाउट है किसी का? आई एम सो सो सॉरी सर, मैं मम्मी से बात कर रही थी। कौन है ये मम्मी से बात करने वाला क्लास के बीच में? गरिमा, तो आपको किसी और चीज में डाउट है इसमें? सर आपने ये लिखा कि जो डीएनए है वो 4 बिलियन ईयर एगो पहले आया है। नहीं, मैंने नहीं बोला सर, मैंने बोला कि जो ये है डीएनए और लिपिड के अंदर, मतलब ये जो पहला ये जो कीमो हाइड्रोट्रॉफ है, मतलब जहां पे लाइफ इवॉल्व हुई है वो 4 बिलियन ईयर एगो हुई है, मतलब 50 मिलियन साल लगे लाइफ आने में, 0.5 बिलियन ईयर्स लगे लाइफ आने में, क्योंकि अर्थ आई 4.5 बिलियन ईयर्स अगो और लाइफ आई 0.5 बिलियन सॉरी 4 बिलियन ईयर्स अगो। चलिए अगर आपको कोई डाउट नहीं है तो आज की क्लास में इतना ही, और अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ये सोचते हैं ऐसा बोलते हैं कि सर आज अच्छे लग रहे हैं, तो इससे मुझे कोई भी खास खुशी नहीं है, जिसकी वजह यह है कि अगर आप ऐसा बोल रहे हैं कि सर आज अच्छे लग रहे हैं, इसका मतलब मैं बाकी दिन बहुत खराब लग रहा हूँ, और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं बहुत ही खराब हूँ या खराब दिखता हूँ या खराब पढ़ाता हूँ, वो लोग को मैं आगे से कम पढ़ाया करूंगा, सिर्फ उन्हीं लोगों को पढ़ाया करूंगा जो ये समझते हैं कि सर बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छे, सिर्फ उन्हीं लोगों को मेरी क्लास में अच्छे से पढ़ाया जाएगा, जैसे कि अमन पॉल। अमन पॉल, यस सर, तुमको मैं खराब तो नहीं लगता हूँ ना? नहीं सर, आप कैसी भी दाढ़ी रख लो ना रखो सर, अच्छे ही लगते हो आप। ओके, अब सिर्फ तुम्हें पढ़ाया जाएगा, बाकी को नहीं पढ़ाया, पूछा नहीं। That's all about the today's class, and we'll see you in the next class. See you in the next class. Thank you very much. Thank you. Sir.